हेलो दोस्तों, तो आज देखिए मैं एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाया हूँ। जो ये पुराना बोर्ड था उसको काट के इसमें निकाल के 3 सॉकेट और यहाँ देखिए 5 स्विच है और साइड में 2 स्विच है। 3 सॉकेट के लिए स्विच यहाँ यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर ये होल्डर है बल्ब के लिए 1 स्विच और 3 सॉकेट के लिए 1-1 स्विच। तो इसका कनेक्शन देखिए एक रेगुलेटर में कनेक्ट किया हूँ। रेगुलेटर एक ऐसा रेगुलेटर है जो कोई ऐसे बोर्ड में नहीं बनाता। देखिए मैं इस प्रकार से इस बोर्ड में ऐसे रेगुलेटर को लगाया हूँ जो कम से कम 5-10 साल यूज में ला सकते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होता। ये बहुत पावरफुल रेगुलेटर है जिससे आप कूलर, फैन सभी चला सकते हैं। इसके 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं जिसका कनेक्शन मैं इस बोर्ड में किया हूँ। और देखिए इस प्रकार इस बोर्ड में ये रेगुलेटर कूलर, फैन और सीलिंग फैन सब कुछ चला सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने वायर का कनेक्शन आपको इसके वायरिंग का डायग्राम में दिखा रहा हूँ शुरू से। देखिए यहाँ पर जो ये नीचे से लगता हुआ एक काला कलर का वायर जो कामन के लिए मैंने सभी में कामन को एक एक पॉइंट दिया हूँ। देखिए यहाँ पर इंडिकेटर पर और यहाँ पर ए होल्डर पर एक पॉइंट और फिर नीचे इसको ले आते हैं। यहाँ से देखिए ये हो गया इसका कनेक्शन एक कामन के लिए और यहाँ फेज का कनेक्शन देखिए मैंने इस 2 स्विच के नीचे इसको मैं इन्वर्टर कनेक्शन बनाया हूँ। ये सब स्विच के नीचे फेज का कनेक्शन देते हैं और फेज स्विच के जो एक एक पॉइंट बचता है उसका कनेक्शन हम जिस स्विच का कनेक्शन जिस सॉकेट में करेंगे जिस पॉइंट में करेंगे उसका उस पर इसका कनेक्शन कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर इसका कनेक्शन मैं बताता हूँ। जो इसका जो आउटपुट 2 है और 2 इनपुट है तो इसका कनेक्शन इनपुट का ए जो स्टार्टिंग में है 2 वायर वो इनपुट का है और साइड में 2 वायर है उसका आउटपुट का है। तो फैन को हम डायरेक्ट कनेक्शन उसके कर देंगे। इस प्रकार सॉकेट का कनेक्शन करके ये ओके हो जाता है। मैं ये वीडियो फास्ट बना रहा हूँ और देखिए ये रेगुलेटर प्रॉपर वर्क करता है और बहुत अच्छे तरह से काम करता है। यह ऑनलाइन परचेस कर सकते हो इसे आप जो मैंने ख़रीदा था। और देखिए इसका मैं कनेक्शन का चालू करके दिखाता हूँ इसको, तब समझ में आएगा इस प्रकार ये वर्क करेगा। इसका सर्किट डायग्राम मेरे अगले वीडियो में देख लेना, मैं इसको स्पष्ट बता दूँगा। तो देखिए इस पर इस स्विच को इस पिन को मैं 2 पिन को लाइन पे कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा, जल जाएगा। और यहाँ पर मैं बल्ब एक ठो लगा लेता हूँ होल्डर पे और देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करेगा। देखिए इस प्रकार से बल्ब के लिए हो गया और साइड वाला दूसरे बल्ब के लिए और 3 स्विच के लिए और रेगुलेटर के लिए फ़ैन का यूज करना पड़ेगा। तो फ़ैन यहाँ पर नहीं है अभी, इसका कनेक्शन अब फैन में जाकर लगा के करना पड़ेगा। धन्यवाद।